नहीं, बात हम कर रहे हैं रहने का, है ना। तो आप लोग कम खर्च में कैसे रह सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हम दूसरे जगह रखवाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं, जिस रूम में हम रहते हैं, जस्ट उसी के साइड में रूम। तो इस वीडियो में आप लोगों के बीच हम बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, तो जो खास करके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आकर के चाहते हैं रह के पढ़ने के लिए, खास करके वैसे स्टूडेंट जो कि 11th या 12th में पढ़ते हैं, है ना, चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, तो उसी सब के लिए हम इस वीडियो को बनाए हुए हैं। तो आज ऐसे ही मतलब जो है कि बैठे हुए, तो छुट्टी का तो समय है ना, तो मतलब जो है कि आज आप लोगों को पता होगा अपना लोग का जो है कि भारत देश जो है कि स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और 75वां साल हो गया अमृत महोत्सव के, है ना, इस तरह से अपना लोग मना रहे थे आज। तो ऐसे ही मतलब बैठे हुए थे, सोचे कि आज जो है कि हम क्या करें, तो आज बहुत ही अच्छा आइडिया आया माइंड में, तो हम सोचे सभी के पास शेयर करते। देखिए तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आकर के रह के पढ़ने के लिए, तो लगेगा बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा, कैसे रहेंगे। और किसी से अगर कोई जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं तो उसे आप पूछते भी हैं कि भाई कॉल करके कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कितना खर्च पकड़ाएगा, तो लोग सभी कोई आप लोगों को बताते हैं रूम रेंट जो है कि 2500 है, 3000 है, 2000 है, हम लोग तो 4000 में रेंट दे करके रहते हैं। तो मतलब बहुत गार्जियन सब इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसको ज़रूर पूरा देखिएगा और आप लोग ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, तो हर कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो लगता है बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा, लेकिन आप लोगों को हम इसी के बारे में बताने वाले हैं ना। तो देखिए, तो अब जो है कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों का खर्च एकदम कम हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि गरीब है, जिसका कि फैमिली नॉर्मल फैमिली है ना, किसी तरह से जो है कि अपना बच्चा को चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल वो लोग फ्री में लगभग समझिए कि नहीं के बराबर खर्च लगेगा आकर के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रह के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो अब यहाँ पर कहिएगा कि अगर हम आएँगे पढ़ने के लिए तो भवेश सर के पास पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे पास रहिए, किसी भी सर के पास आप पढ़ सकते हैं, चाहे कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स हो, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है, कोई हम TNC नहीं लगाएंगे, मतलब टर्म और कंडीशन हम नहीं लगाएंगे कि आप मेरे पास पढ़िए, या आप मैथमेटिक्स रखे हुए हैं, साइंस है, तो मेरे ही पास पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात हम कर रहे हैं रहने का, है ना। तो आप लोग कम खर्च में कैसे रह सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हम दूसरे जगह रखवाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस रूम में हम रहते हैं, जस्ट उसी के साइड में रूम है ना, आप लोग बिल्कुल वही खर्च पर रह सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट पर समझिए क्या कि आपको 400 रुपया पड़ेगा। आप बताइए 400 रुपया में आप सिर्फ महीना भर रह सकते हैं, ना, ऐसा नहीं कि एक महीना के बाद खाली करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना दिन रहने का मन होगा रह सकते हैं, गलती कीजिएगा तो खाली होना अलग चीज़ है ना, लेकिन आप लोग अगर रह के पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई भी काम कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गलत नहीं करना है तो दिक्कत हो जाता है सभी को। हम भी गलत करेंगे तो हमारे साथ भी दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो मात्र 400 रुपया महीना की दर से आप रह सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचेगा कि अरे बाप रे, पूर्णिया में तो हम सोचते हैं रूम भरा 2000, 3000, 1500, 2000 है, तो हम 400 में कैसे रहेंगे। बिल्कुल आप जो है हमारे, अगर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमको जानते होंगे, बहुत ऐसे भाई साहब हैं जो कि हमको जानते हैं कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, बहुत मतलब जिस जगह पर हम रह रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, है ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आ करके रह सकते हैं। कहिएगा कि यहाँ पहुँचेंगे कैसे, जैसे देखिए मेरे अगर हम बगल का लोकेशन का अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि लॉ कॉलेज हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, आप लोगों से थोड़ा सा जो है कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो दरअसल ये हुआ है कि बगल में जो है ना DJ बजता है ना, तो इस वीडियो को वो ठीक कर रहे थे, बजा नहीं रहे थे, बल्कि वो ठीक कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे, तो क्लेम आ जाता है यूट्यूब पर से, उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं यूट्यूब, तो इसलिए हम वीडियो को रोक रोक करके तकरीबन 3 पार्ट्स में बन रहा था। आप लोग थोड़ा सा हमको माफ़ कर दीजिएगा, और हम इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट्स में क्या क्या बोले उतना हमको याद नहीं है, भूल गए, हो सकता है कोई चीज़ हम रिपीट भी कर दें, तो आप लोग हमको माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, तो हम एड्रेस के बारे में शायद बता रहे थे, तो एड्रेस जो है कि जैसे एक अपना लोग का पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, लॉ कॉलेज होगा, ये सब आप पॉपुलर जगह जानते होंगे, मधुबनी चौक से यहाँ से समझिए कि 10 मिनट का रास्ता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक लोकेशन क्या मिलेगा, है ना। तो जहाँ से यहाँ अगर और एक बात करते हैं आपको, तो कॉलोनी सुने होंगे, है ना, तो ये इसी के बीच में आता है, मतलब समझ गए ना, आप लोग सुने होंगे यादव टोली, है ना, तो यहीं पर है यादव टोला, है ना। तो यहाँ पर अपना लोग का क्या है,
जगह है। तो अगर आप लोग में कोई इंटरेस्ट है ना, जो कि चाहते हैं कम खर्च में मधुबनी में रह के पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आकर के आप लोग यहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं। फिर हम आप लोगों को बता देते हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, टर्म एंड कंडीशन नहीं है, या आप पे कोई भी फोर्स नहीं रहेगा किसी प्रकार का कि आप यहाँ पे रहते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे जिस लॉज में हम रहेंगे उसी में आप लोग अगर रहिएगा तो कोई फोर्स डालेंगे सर कि हमारे पास पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, है ना। तो आपको पता ही होगा 400 रुपया में, अब आप अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए एक दिन का कितना रुपया पकड़ाता है। रुकिए हम अभी थोड़ा सा, और सबसे पहले आप लोग ज़रूर उस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रह के चाहते हैं पढ़ने के लिए। मान के चलिए कि हम 30 दिन का ही मान लेते हैं औसत महीना का, तो भागा लगा देते हैं 30 से, समझिए कि 13 रुपया पकड़ाता है एक दिन का। लेकिन यहाँ तो ऐसे समझिए हम गलत नहीं बोलेंगे, खा पी करके ही जो है कि 50-100 रुपया लड़का सब पूरा देता है, लेकिन आप मात्र 13 रुपया में रह के पूर्णिया में पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं रोज का। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कैसा रहा आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग का कमेंट को पढ़ते देखते हैं कि आप लोग का क्या मतलब जो है कि विचार आता है। तो ज़रूर अपना विचार को इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, है ना। कमेंट काहे के लिए दिया हुआ है, आप अपना विचार हम तक छोड़ सकते हैं। और लाइक का बटन आता है कि भाई साहब अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, पसंद है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और हाँ खास करके ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आकर के रह के पढ़ना चाहते हैं, और उसका गार्जियन को भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और सब हम पढ़ाई वाला तो नहीं बोलते थे, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और हाँ, अगर आप लोग में से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर जो है कि फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है कि हमसे बात भी कर सकते हैं। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। यहाँ पे भी देखिए हम 2 वीडियो दे रहे हैं, ज़रूर इनको आप लोग पूरा देखिएगा। धन्यवाद।